शहर से आकर राहुल बहुत उदास हो गया था। उसे देखकर उसकी बहन उससे पूछती है, क्या हुआ राहुल, तुम अब पहले जैसे हमारे साथ मिलजुल कर नहीं रहते हो, गुस्सा हो क्या हम सब से? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, मुझे अब मालूम हो गया है गांव की धूल मिट्टी में जीवन कितना कठिन है और वही शहर में जीवन जीना कितना आसान है। मेरा तो इस धूल मिट्टी में मन ही नहीं करता, यहाँ पे रहने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तुम देखना दीदी, मैं जल्दी ही कोई अच्छी जॉब करके तुम सबको इधर से ले जाऊंगा, फिर मुझे कभी गांव नहीं आना पड़ेगा। ये कैसी बात कर रहे हो राहुल, गांव की जीवन शहर जितनी आरामदायक नहीं है, लेकिन क्या हुआ, गांव में सुकून है, शांति है, इसी धूल मिट्टी में अपनापन है जो शहर के पक्के रास्तों पर बिल्कुल भी नहीं है। और तुझे क्या लगता है, पिताजी माँ ये गांव छोड़कर शहर आना चाहेंगे तेरे साथ? अगर माँ पिताजी मेरी खुशी के लिए शहर नहीं आएंगे तो मैं भी किसी की चिंता नहीं करूँगा, मैं भी कभी गांव नहीं आऊँगा। और मन को बहलाने वाली बातें है ये सब, अगर धूल मिट्टी में सुकून मिलता तो ये दुनिया झाड़ू नहीं लगाता कभी, धूल मिट्टी भर के रख के देता अपने घर के अंदर। तेरी बातें बड़ी कठोर है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तेरी बातों से माँ और बाबा की दिल ना दुखे। चल अब खीर खा ले, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। मुझे खीर नहीं खाना है दीदी, अगर एक कप कॉफी मिल सकती है तो बहुत अच्छा होगा। आनंद और सरिता दूसरे घर में बैठकर रितु और राहुल की बातें सुन रहे होते हैं। ये राहुल कैसी बातें कर रहा है सरिता, कहीं मैं राहुल को शहर भेजकर कुछ गलती तो नहीं कर बैठा ना? सरिता के पास आनंद के सवालों का कोई जवाब नहीं था, वो चुपचाप एक दूसरे को देखने लगती है। एक दिन तेज बारिश होने के कारण बाजार से घर लौटते वक्त आनंद पूरी तरह से भीग जाता है और आनंद घर लौटते ही बीमार पड़ जाता है। बेटा तुम तीनों ध्यान रखो अपने पिताजी का, मैं डॉक्टर से दवा लेकर आती हूँ। सरिता छाता लेकर दवा लेने दुकान चली जाती है। रितु आनंद के सर के पास बैठकर पानी की पट्टी लगा रही होती है, रानी उनके पैर दबा रहे होते हैं, राहुल पास बैठकर कुछ सोच रहा होता है, तभी सरिता दवा लेकर आ जाती है। दवा खिलाकर सब लोग आनंद के पास ही सो जाते हैं। राहुल क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहा है, अपने पिताजी के लिए परेशान हो रहा है ना? पर तू चिंता मत कर, ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। माँ मैं पिताजी के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मुझे चिंता हो रही है अपनी जॉब की इंटरव्यू की जो 3 दिन बाद है, और पिताजी की ऐसी हालत है तो आप लोग मुझे जाने तो नहीं देंगे ना, मतलब मेरी सारी मेहनत में पानी चली जाएगी। राहुल तू इतना होशियार है, एक जॉब जाएगा तो अप्लाई करने से तुझे और भी अच्छी जॉब मिल जाएगी, अभी माँ पिताजी को तेरी जरूरत है, तो पिताजी की आंखों के सामने रहेगा तो वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। बेटा रितु ठीक कह रही है, कुछ दिन और रुक जा, तू यहाँ रहेगा तो हमें भी शांति मिलेगा, तेरी पिताजी भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। यहाँ रहकर कुछ काम क्यों नहीं करता है तू, तेरे पिताजी को भी तेरा सहारा मिल जाएगा और तू हमारे साथ यहाँ रह पाएगा। मालूम था मुझे इसी तरह से ब्लैकमेल करोगे तुम लोग, बस इसी बात की चिंता हो रही थी मुझे, जब मुझे गांव में ही रहना था तो पढ़ने के लिए शहर क्यों भेजा तुमने, यह रहने देते मुझे, मैं भी अपने दोनों बहनों की तरह अनपढ़ गवार बन के बैठा रहता। राहुल अपनी बात बोलकर गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। सरिता और आनंद अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर पत्थर की मूरत बनकर चुपचाप बैठे रहते हैं। दूसरी सुबह राहुल अपना सूटकेस लेकर आनंद के पास आता है और कहता है, पिताजी मैं जा रहा हूँ, कल मेरा इंटरव्यू है और ये जॉब मेरा सपना है, अगर ये इंटरव्यू मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये 3 साल मेरा बर्बाद हो जाएगा और वो कंपनी मुझे अमेरिका ले जाएगी,
शायद मैं आप लोगों को मिलने के लिए कभी नहीं आ पाऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी नहीं आऊंगा आपके पास। अगर आपको भी मुझसे प्यार हो तो मुझे एक कॉल करना, मैं आप सब लोगों को प्यार करता हूँ, मैं आप सबके लिए टिकट भेज दूंगा, आप लोग कभी भी मेरे साथ रहने के लिए शहर आ सकते हैं, मैं हमेशा आप लोगों का इंतजार करूंगा। राहुल अपना सामान लेकर चला जाता है। ऋतु, रानी और सरिता उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर राहुल नहीं रुकता है। आनंद बिस्तर पर लेटी हुए ही राहुल को जाते हुए देखता है, उसके आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगते हैं। रितु अपने पिताजी को रोते हुए देखकर उनके पास जाता है, उनके आंसू पोंछते हुए कहता है, पिताजी आप परेशान मत होइए, राहुल गुस्से में गया है, देखना वो जल्द ही लौट आएगा, और आप घर के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, मैं आपका बेटा बनूंगी पिताजी, दुनिया की रीत को मैं नहीं मानूंगी, मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी पिताजी। आनंद अपनी बेटी रितु को हंसकर गले लगा लेता है और खूब रोता है। सरिता और रानी भी पास आकर उन दोनों को गले लगा लेता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। 10 साल बाद एक दिन रानी दुल्हन की तरह तैयार होकर बैठी हुई है। आनंद और सरिता मेहमानों का स्वागत करते हैं। मेहमानों में से एक औरत सरिता से कहता है, अरे आपकी बड़ी बेटी नहीं दिख रही है, बड़ा नाम सुना है उसका, कहाँ है वो, जरा उसे बुलाइए तो, उसके साथ एक दो फोटो खींचने की बड़ा मन है मेरा। जरा सबर कीजिए बहन जी, आता ही होगा मेरा बेटा। आनंद भाई साहब, मैं आपकी बड़ी बेटी रितु की बात कर रही हूँ, जो YouTube पर बच्चों को पढ़ाती है और सुना है NGO भी चलाती है। जी ये रितु की ही बात कर रहे हैं, उसे ही ये अपना बेटा मानता है। जब बेटा का फर्ज बेटी निभा रही होती है तो उसे बेटा ही बोलना होगा ना, जाने क्यों लोग बेटे को ही सहारा मानता है। मैंने तो अपनी बेटी को पराया अमनत समझकर पराया ही नहीं, लेकिन जो सपना मैंने अपने बेटे के लिए सजाया था वो तो मेरी रितु और रानी ही पूरा कर दिया। लीजिए बहन जी, आ गई मेरी दोनों बेटे। रितु एक खूबसूरत सी साड़ी पहन के अपनी छोटी बहन रानी को दुल्हन बनाकर ले आती है। हर कोई दोनों बहनों को ही देखता रहता है। रानी रितु से कहती है, दीदी दुल्हन मैं हूँ, पर हर कोई आपको ही देख रहा है, आप नजर उठाकर देख लीजिए। आनंद और सरिता अपनी दोनों बेटियों को देखकर खुश होते हैं। हर कोई रितु और रानी के साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। आनंद के फोन करने के बाद भी जब राहुल नहीं आता है तो आनंद और सरिता को समझ आ जाता है कि बेटा और बेटी एक समान ही होता है, बेटी भी अपनी माँ बाप की सहारा बन सकती है। चंदनपुर शहर में नताशा अपनी सौतेली माँ और दो छोटे भाई बहन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। नताशा बहुत ही खूबसूरत थी, वो एक डांस बार में काम करती थी और अपने परिवार का पेट पालती थी। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी, पर उसके काम के वजह से सभी उसके बारे में गलत समझते थे। अरे नताशा बेटी, घर में चावल खत्म हो गए हैं, थोड़ा पैसा देना। हाँ माँ ये लो, और थोड़ा सब्जी भी खरीद लेना, आते समय तुम्हारी दवाई भी लाऊंगी। अच्छा माँ मैं चलती हूँ। सावधानी से लौटना रात में, समय बहुत खराब है। चिंता मत करो माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम अपना और भाई बहन का ख्याल रखना। हर रोज की तरह नताशा काम में चली जाती है। काम से लौटते लौटते उसे थोड़ा देर हो जाता है। सुनसान रास्ते में कुछ गुंडे उसके पीछा करते हैं। अरे ओ जाने मन, थोड़ा रुक जाओ, हमें भी तो डांस दिखाती जाओ।
डांस नहीं दिखाना तो थोड़ा बात ही कर लो यार, हम तो तुम्हारे आशिक हैं। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कब से बुला रहे हैं? मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। जाने देंगे? पहले थोड़ा रोमांस तो करने। एक थप्पड़ लगाएंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ये बोलकर नताशा एक गुंडे को धक्का लगाकर दौड़ने लगती है। वो दो गुंडे भी उसके पीछे जाते हैं, पर थोड़ी ही दूर में एक पुलिस खड़ा हुआ था। नताशा उससे हेल्प मांगती है। पुलिस देखकर वो दो गुंडे भाग जाते हैं। वो पुलिस नताशा को घर पहुंचा देते हैं। एक दिन नताशा अपने एक फ्रेंड के घर जन्मदिन के पार्टी में जाती है। वहाँ वही पुलिस ऑफिसर खड़ा था। सर, आप यहाँ? मैं यहाँ, पर तुम यहाँ कैसे? वो आज इसका बर्थडे है ना, वो मेरी सहेली है, उसी ने बुलाया है। रिया ने तुम्हें बुलाया? हाँ, पर ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं सर? क्योंकि रिया मेरी बहन है और वो तुम जैसी बार डांसर की दोस्त है। हाँ सर, मैं बार डांसर हूँ। मैं डांस करके अपने परिवार का पेट पालती हूँ, कोई गलत काम तो नहीं करती हूँ ना। ये बोलकर नताशा वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ रिया आती है। क्या हुआ भैया, नताशा चली क्यों गई? वो एक बार डांसर है, अच्छी लड़की नहीं है। नहीं भैया, वो अच्छी लड़की है। ये आपको किसने बताया कि वो अच्छी नहीं है? वो बहुत मेहनती है, वो पढ़ाई भी करती है, घर भी चलाती है। आपने उसका दिल क्यों दुखाया भैया? राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी बात से राहुल नताशा का पीछा करना चालू कर दिया। वो नताशा को जितना जानता गया, उसे नताशा उतना पसंद आता गया। फिर एक दिन, नताशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलिए, क्या सुनाना बाकी है आपको? तुम गलत मत समझना, पर क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझ जैसी खराब लड़की के साथ आप शादी करना चाहते हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना सर? उस दिन के लिए मुझे माफ कर दो, तुम मुझे सच में पसंद हो। चैरिटी करना है तो कहीं और करिए, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर नताशा वहां से चली जाती है। राहुल ये सब बात अपनी बहन रिया को बताता है और उसका हेल्प मांगता है। रिया उसके भाई के इस फैसले से बहुत खुश था। वो नताशा से बात करने के लिए उससे मिलने गई। मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। क्या करूं, अचार डालूं? अब तो गुस्सा छोड़, मेरे भैया से अच्छा लड़का तुझे कहीं नहीं मिलेगा। देख रिया, मैं शादी नहीं कर सकती, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, तू तो जानती है ना। तू एक बार भैया से बात करके तो देख। ठीक है, तू बोल रही है तो एक बार मिलती हूँ। एक दिन शाम को नताशा राहुल से मिलने के लिए जाती है। दोनों एक पार्क में बैठते हैं। देखिए, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, मैं शादी नहीं कर सकती। तो वो जिम्मेदारी हम आधा आधा बांट लेंगे। पर बाद में आपको ये सब अच्छा नहीं लगेगा। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, एक बार भरोसा करके तो देखो। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों के घर की सहमति से राहुल और नताशा की शादी हो जाती है। राहुल नताशा का फैमिली का भी देखभाल करता है और सब खुशी से रहते हैं।